बहनों के साथ मार पिटाई करने तक का काम दिल्ली पुलिस ने पहले भी किया है। आज जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातचीत कर रहे थे, वहाँ जो बहनें टर्मिनेट की गई है दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने, पूरे 1000 लोगों को टर्मिनेट किया है, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस हमें बताने आई कि 144 लागू है। वहीं पर दूसरी तरफ केजरीवाल आ रहा था, वो अपना कार्यक्रम कर रहा था, उसके लिए कोई धारा 144 नहीं थी, उसके लिए कोई कानून नहीं, भूल गया ना अपनी औकात, आज भूल गया, कोई नियम नहीं था, हमारे लिए 144 था। हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं, दिल्ली के पास में बैठकर हम लोग अपनी बातचीत नहीं कर सकते हैं। बातचीत करने का ये नतीजा हुआ है कि हमारी बहनों को लात घूंसे मारे हैं, पेट में मारा है रजनी जी के, उनके पेट में देख लो क्या हालत है। बहन सुनीता है मंगोलपुरी की, वो अस्पताल में भर्ती हो गई, बेहोश करने के बाद वो हैंडीकैप्ड है, वो चल नहीं सकती है ठीक से, उसके बावजूद इतना मारा है, वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद इनके पुलिस वालों ने उसके बाद भी लगातार मारते रहे, बाल खींचते रहे, हमारे पास सारे वीडियो मौजूद है, बस में लिटा करके मारा है, अभी वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में है, वो ठीक से बात नहीं कर पा रही है, उनके घर में कोई नहीं है, वो चल फिर नहीं सकती थी, उनके साथ ये किया है दिल्ली पुलिस ने। हमारी बाकी बहनों के साथ इतना मारा है, कई लोगों को चोटे हैं, त्रिशाली को इतनी चोट आई है, हमें घसीट घसीट कर यहाँ लेकर आई है ये दिल्ली पुलिस, और यहाँ आकर बता रही है कि हम पार्क में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। दिल्ली की जनता, दिल्ली की आंगनबाड़ी महिलाएं जो पिछले 38 दिनों से अपनी जायज मांगों के लिए हड़ताल कर रही थी, इस सरकार ने हमारी हड़ताल पर एस्मा कानून लगाया, जिसकी वजह से हम लोगों ने कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है, हमारे आपके ऊपर नहीं जो वॉलंटियर्स माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद लगातार केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार और उनकी ये दिल्ली पुलिस हमारे ऊपर दमन कर रही है, हमारी बहनों का दमन कर रही है, इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है। हमें ये प्रण लेना होगा कि आने वाले एनसीडी इलेक्शन में इस सरकार को हम लोग अब मजा चढ़ाएंगे। दिल्ली की 22,000 आंगनबाड़ी कर्मी केजरीवाल सरकार को, भाजपा सरकार को, साथ ही साथ कांग्रेस को भी असल मजा चखाएंगी कि तुम्हें हमने कुर्सी पर बिठाया और तुम हमारे साथ ये सलूक कर रहे हो। इसका सिला तुम्हें इस चुनाव में अपने गली मोहल्लों में तुम्हें भगा कर बताएंगे, तुम्हारा गुजरा मुश्किल कर देंगे, तुम्हारे आने जाने पे रोक लगाएंगे। हमारी मांगे मानो, तमाम जो दिल्ली पुलिस के लोगों ने हमारी बहनों के साथ बदसलूकी की है, मारपीट की है, उसकी कंप्लेन दर्ज करो, उसके बाद ही हम जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे। अभी बहुत सारी बहनें मंदिर मार्ग थाने पहुँच रही है, वो आएंगी हमें यहाँ से छुड़ा के, फिर हम लोग आगे जाएंगे। इन